हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लेता हूँ अपने सिस्टम और अपने पीसी यानी आपका जो लैपटॉप है उसमें आप यह कैसे चेक करेंगे कि हमारे पीसी में कितनी जीबी का रैम पड़ा हुआ है, कितनी जीबी इसका स्टोरेज है और कौन सी जनरेशन का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, i3 है फिर i5 है, तो इसे विंडोज 7 या विंडोज 11 में कैसे चेक करते हैं। तो मैं आगे इस वीडियो में आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में अगर आप विंडोज 7 में चेक करते हैं तो आपके लिए माई कंप्यूटर में जाना है। तो माई कंप्यूटर में जाएंगे तो यहाँ से मेरा विंडोज 11 है, तो मैं आपके लिए विंडोज 11 में बता रहा हूँ। तो सेम इसी प्रकार से आप विंडोज 7 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना जो माई कंप्यूटर लिखा होगा तो उस पर आपके लिए राइट क्लिक करना। तो यहाँ से मेरे इसमें लिखा हुआ है दिस पीसी लिखा हुआ है डेस्कटॉप पर, मैंने इसका जो शॉर्टकट है वो ले लिया, तो इसी पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आपके लिए क्या लिखा हुआ मिलेगा, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देना है। सेम इसी प्रकार से आप विंडोज 7 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जो विंडोज 11 है उसमें खोला ये पेज, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा जो डिवाइस का इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आ गया है। यहाँ पे डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। डिवाइस का क्या नाम है, तो यहाँ नाम लिखा हुआ है। प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर 12th जनरेशन का है। और यहाँ पर इसका कोर क्या है, तो इसका i5 का ये इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। उसके बाद इसमें कितनी जीबी का रैम लगा हुआ है, तो वो यहाँ रैम देख सकते हैं, यहाँ पर 8 जीबी का इसमें क्या है, रैम लगा हुआ है। और डिवाइस की जो प्रोडक्ट आईडी है वो यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, और डिवाइस आईडी है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी, दोनों जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है सिस्टम टाइप, तो सिस्टम टाइप में आप ये देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो विंडो पड़ी हुई है वो कितने बिट में है, 64 बिट में है या फिर 32 बिट में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ सिस्टम टाइप लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ से हमारा 64 बिट में जो विंडो है वो पड़ा हुआ है। अब इसमें हमने ये तो देख नहीं पाया कि इसमें कितना जीबी का यानी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी लगा हुआ था, वो देखने के लिए आपके लिए इसे क्लोज कर देना है यहाँ से। और फिर से आपका जो दिस पीसी लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है, दिस पीसी पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज, मैनेज पे यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। मैनेज पे क्लिक करने बाद इसका नीचे पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से हम इसे फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो यहाँ से फुल स्क्रीन पे हो गया है पेज। उसके बाद यहाँ से आप लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर स्टोरेज, स्टोरेज लिखा हुआ है, इसी के नीचे लिखा हुआ है डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो इसी पे हमें क्लिक कर देना है। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करने बाद यहाँ से आपके लिए इसके जो डिस्क का टोटल साइज है वो यहाँ आप लिए देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क 0 करके लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 476.92 जीबी, तो ये हमारा इसमें क्या है, 500 जीबी का एसएसडी कार्ड लगा हुआ है, तो इसमें कम दिखाता है। यानी आप पूरा पूरा लगाओगे तो पूरा नहीं दिखाएगा, जैसे 500 जीबी लगाया फिर 1 टीबी का लगाया तो यहाँ पूरा नहीं दिखाएगा, उसमें कम ही दिखाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो इसमें मेरा 500 जीबी का इसमें एसएसडी कार्ड है वो लगा हुआ है। तो यहाँ से 2 ड्राइव बनी हुई है, एक बना हुआ है यहाँ पर SSC नाम से बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है डाटा डी नाम से। तो यहाँ से आप दोनों देख सकते हैं, एक बना हुआ है 231 जीबी का 0.43, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 244.24 जीबी का, तो यहाँ से आप दोनों देख सकते हैं। तो यहाँ से मेरी 2 ड्राइव बनी हुई है। तो इस कंडीशन से आप अपने लैपटॉप या अपने पीसी में आप ये ऑपरेटिंग भी सिस्टम चेक कर सकते हैं, कितने बिट में पड़ा हुआ है, कितनी जीबी का एसएसडी कार्ड लगा हुआ है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कितनी जीबी का रैम लगा हुआ है, वो इस कंडीशन आप चेक करके पता लगा सकते हैं। तो गाइस आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना।